वेलकम टेक बेटा ग्रुप। मैं आपका विकास, आप नए चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आज आपके लिए एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आए। जो भी आप कानपुर यूनिवर्सिटी से अगर आप बीए बीएससी बीकॉम कर रहे थे, तो उसके आपके एग्जाम डेट आ चुकी है। तो किस प्रकार की डेट है और कैसे आपका एग्जाम होगा, पूरा पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो चलेगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें आपके कोई डाउट हो। और व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, अगर आपको वीडियो का लिंक चाहिए जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके, या पूरी आपको कानपुर यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट चाहिए, तो मुझको व्हाट्सएप मैसेज करें या वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और प्लेलिस्ट में जाएं, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में कानपुर यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। उसमें काफी सारे आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, कौन सी बुक परचेज करनी है, सारी चीजें मैंने उसमें बताई हुई है। तो चलिए देखते हैं, आपको वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्कीम फॉर रेगुलर और प्राइवेट सिंगल सब्जेक्ट की। 2020 की आपकी जो है डेट आ चुकी है। कब से आपके एग्जाम है मैं आपको बता दे रहा हूँ, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा वो भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो भी है ऑफिस ऑर्डर जो हुआ है उसके अनुसार यहाँ पे पीडीएफ पड़ी हुई है। यहाँ पे ऑफिस का ऑर्डर जो आया है वो देख लेते हैं किस प्रकार से है। तो बेसिकली इसमें उसके बारे में दिया गया है, आपके कब से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो 25 फरवरी से आपके जो है वो आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। बीए बीएससी बीकॉम जो भी आपके प्राइवेट के एग्जाम होंगे उसके आपके 25 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए बीए फर्स्ट ईयर की लिस्ट निकालते हैं, पहले उसको देखते हैं कब से कैसे एग्जाम है और कैसे उसको देखा जाता है। तो जो भी है मान लीजिए 25 तारीख से आपसे एग्जाम स्टार्ट है, यहाँ पे जो डेट दी है मंगलवार से। और इसमें जो पहला पेपर है वो हिंदी साहित्य का, तो जिन्होंने हिंदी का पेपर लिया होगा उनका हिंदी साहित्य का पहला पेपर है जो कि लिखित वाला होगा। जिसके आगे स्टार लगा होगा वो सारे पेपर आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसके आगे स्टार नहीं लगा होगा वो आपके सारे लिखने वाले होंगे। तो दो तरह के पेपर होते हैं, हर एक पेपर में दो मॉड्यूल होते हैं, यानी कि एक लिखने का होता है और एक उसका पेपर होता है ऑब्जेक्टिव होता है। तो हिंदी साहित्य का 25 से स्टार्ट है, जो पहला है लिखने का है। प्रथम प्रश्न पर टाइमिंग रहेगी सुबह 7 से 10 बजे तक रहेगी। एडमिट कार्ड आपको मिलेगा वहाँ पे, उसमें सेंटर वगैरह आपका दिया होगा। और 26 तारीख को जो है वो आपका हिंदी साहित्य का है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा, द्वितीय पेपर है। तो हर एक पेपर के दो पेपर आपके होंगे, टोटल 6 पेपर आपके होते हैं। बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर में, बीए थर्ड ईयर में 2 पेपर आएंगे आपके। 27 तारीख को है आपका समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी का है पहला पेपर है, वो आपका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद 28 को है आपका समाजशास्त्र का, 29 को है आपका मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र और एजुकेशन जिसको बोलते हैं शिक्षा शास्त्र का पहला पेपर है ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद आपका है 2 तारीख को है शिक्षा शास्त्र, उसके बाद 3 तारीख को है राजनीति शास्त्र, 4 तारीख को है राजनीति शास्त्र सेकेंड। तो इस प्रकार से आप पूरी लिस्ट देख लें, यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया, जिसके आगे स्टार लगा है वो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे है पर्यावरण का पेपर देना है, पर्यावरण का पेपर सभी लोगों का जो होगा 22-3 को होगा सुबह 7 से 9 बजे के बीच में। और जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव वाले पेपर होते हैं वो आपके होते हैं 2 घंटे के, यानी कि ऑब्जेक्टिव वाले जो होंगे इसमें तारा आपका लगा हुआ है, तारांकित प्रश्न पर 2 घंटे की अवधि होगी, यानी कि 7 से 9 बजे आपके होंगे ऑब्जेक्टिव वाले। जितने भी स्टार बने हैं ये खाली आपके 2 घंटे होंगे, और जो लिखने वाले हैं वो आपके 3 घंटे के होंगे। तो टाइम अपना यहाँ से देख लें और इसको डाउनलोड कर लें। इसी प्रकार से यहाँ पे अवेलेबल है बीए सेकेंड ईयर की, तो बीए सेकेंड ईयर का भी 25 से स्टार्ट है, पहला समाजशास्त्र का है इसमें। और इसी प्रकार से आपका जो है सारी लिस्ट यहाँ पे आ गई है, रेगुलर और प्राइवेट दोनों की आ गई है। तो इसी डेट से दोनों के होंगे, यानी कि बीए जो रेगुलर कर रहे होंगे उनकी भी 25 को ही होंगे और प्राइवेट वालों के भी उसी डेट में होंगे। उसी प्रकार से यहाँ बीएससी की भी डेट आ चुकी है आपकी, तो बीएससी के आपके 12-3 से स्टार्ट है, यानी 12 मार्च से स्टार्ट है। और बीकॉम फर्स्ट ईयर की बात करें तो इसमें दोनों लोगों के लिए प्राइवेट भी है और रेगुलर के लिए 16 तारीख से इनके स्टार्ट है। तो सबकी डेट यहाँ पे आ गई, आप जाके जो भी आपका एग्जाम है वो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड जो आएंगे आपके एग्जाम यानी 25 तारीख से हैं, तो आप मान के चले 15 तारीख के बाद से या 20 तारीख से आपको डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आ जाएगा मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। तो जाएं अपनी स्कीम डाउनलोड करें और तैयारी स्टार्ट कर दें, इजी नोट परचेस कर लें, या अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मुझको मैसेज कर सकते हैं। तो जाएं अपना यहाँ से जाके अपना पीडीएफ सारी डाउनलोड करें और अपने एग्जाम की तैयारी करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।